नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आई एम श्योर कि आप लोग जो बहुत ही अच्छे होंगे। सो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपसे बताया था कि आज से हम कोर्स जो है यहाँ पे स्टार्ट करने वाले हैं एफिलिएट मार्केटिंग का, जो कि जीरो से हीरो तक आपको लेके जाएगा, यानी कि बिगनिंग से लेके एकदम आपको एडवांस लेवल की एफिलिएट मार्केटिंग ये कोर्स है। तो यहाँ पे कोर्स में जो है आज से हम शुरुआत करेंगे, तो ये पहला पार्ट रहेगा इसका, जहां पे मैं आपको बताऊंगा कि व्हाट इज एफिलिएट मार्केटिंग। एफिलिएट मार्केटिंग से थोड़ी सी इंट्रोडक्शन बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर हमें एफिलिएट मार्केटिंग क्या है, किस तरह से काम करती है, अगर ये चीजें नहीं मालूम होगी तो आगे अगर मैं सीधा एडवांस लेवल बताऊंगा तो वहां पर मजा नहीं आएगा। तो सबसे पहले एफिलिएट मार्केटिंग को स्टार्ट करने से पहले, आप लोगों को उससे रूबरू कराने से पहले, मैं आपको बता दूं कि हमें ये समझना है कि व्हाट इज ट्रेडिशनल मार्केटिंग। अब से फॉर एग्जांपल कि आप अगर देखो, एंड ऑफ द डे एफिलिएट मार्केटिंग करने के बाद भी हम क्या करना चाहते हैं, पैसा कमाना चाहते हैं। और अगर दूसरा तरीका क्या है कि ट्रेडिशनल काम करें, ये जो कि हमारे ट्रेडिशनल मार्केटिंग है उसका काम करें और हम पैसे कमाते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, अब सपोज कर लो कि मुझे जो है एक क्लॉथ शॉप जो है ओपन करनी है, मेरे को कपड़े की एक दुकान ओपन करनी है या शोरूम ओपन करना है, तो यहां पे जो है मुझे उसके लिए क्या क्या चाहिए। सबसे पहले चाहिए मुझे कैपिटल इन्वेस्टमेंट, मेरे पास पैसा होना चाहिए, तभी जो है मैं इस बिजनेस को, ये बिजनेस नहीं कोई भी बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए मुझे जो है कैपिटल इन्वेस्टमेंट मेरे पास होना चाहिए, पैसा होना चाहिए। अब दूसरी चीज, हमें पैसा चलो मेरे पास है, अब दूसरी चीज क्या होनी चाहिए हमारे पास, दूसरा ये होना चाहिए कि हमें उसके अंदर सेल क्या करना है, जो भी बिजनेस है उसमें सेल क्या करना है। तो चलो ये भी डिसाइड कर लिया हमने, कपड़े सेल करने हैं। अब यहां पे कपड़े भी हमने सेलेक्ट कर लिए कि क्या सेल करने वाले हैं, वो सब डिसाइड हो गया। उसके बाद हमारे पास इंपॉर्टेंट है कि हमारी जो दुकान है या हमारा जो शोरूम है वो किस लोकेशन पे होना चाहिए। अगर कोई लोकेशन सही नहीं है हमारे उस कपड़े की दुकान के लिए, तो वहां पे मटेरियल आप भले ही डाल लोगे तो वहां पे आपका बिक्री नहीं होगा, यानी कि सेल नहीं होगी। तो ऐसे में यहां पे परफेक्ट लोकेशन, प्राइम लोकेशन भी फाइंड आउट करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और जहां पे प्राइम लोकेशन की हम बात करते हैं, तो वहां पे डेफिनेटली हमें उस दुकान को अगर हम खरीदेंगे भी तो बहुत महंगी मिलेगी, और अगर जो है हम किराए पे लेते हैं, लीज पे लेते हैं, वहां पर भी हमें एक बहुत बड़ी कीमत जो है वो पे करनी पड़ती है। तो यहां पे हमारा कैपिटल इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा हो जाता है। उसके बाद हमें मटेरियल डालना है, और डालने के बाद भी अभी हमने शोरूम ओपन भी कर दिया, सब कुछ सेट कर दिया, फर्नीचर वगैरह बहुत खर्चा कर लिया, उसके बाद भी क्या गारंटी है जितना हमने जो अभी तक उसके अंदर एक्सपेंस करे हैं वो हमें रिकवर कब तक हो पाएंगे, इसकी कोई गारंटी नहीं होती है। अब बात करते हैं, ये है ट्रेडिशनल मार्केटिंग, जिसके अंदर इतना बड़ा रिस्क लेने के बाद भी हजारों लोग ये काम कर रहे हैं, राइट। इसमें बहुत लोग काम कर रहे हैं और डेली बेसिस पे नए नए बिजनेसमैन जो है वो इस मार्केट के अंदर आ भी रहे हैं, और इसको रिस्क फैक्टर जो है बहुत ज्यादा है। अब बात करते हैं कि व्हाट इज एफिलिएट मार्केटिंग। एफिलिएट मार्केटिंग फिर क्या है? देखो, एफिलिएट मार्केटिंग का भी एंड ऑफ द अगर हम बात करें कि हमें हमारी जेब के अंदर पैसा चाहिए, ये हमारा फाइनल मोटो है कि एंड ऑफ द डे हमारे पास पैसा आना चाहिए। अब यहां पे एफिलिएट मार्केटिंग है क्या? एफिलिएट मार्केटिंग बेसिकली तीन सेक्शंस में डिवाइडेड है। पहला, यहां पे आप कुछ ऐसे रिटेलर्स हो सकते हैं, होलसेलर्स हो सकते हैं, मैन्युफैक्चरर हो सकते हैं, जो किसी थर्ड वेबसाइट के ऊपर जाके अपने प्रोडक्ट्स को सेल करते हैं। तो यहां पे सेकंड सेक्शन आता है ऐसी वेबसाइट जो थर्ड पार्टी है, जिनका खुद का कोई प्रोडक्ट नहीं होता, वो ऐसे थर्ड पर्सन को जो है अपने प्रोडक्ट को सेल करने के लिए प्लेटफॉर्म रेडी करके देती हैं, जैसे कि Amazon हो गया, Flipkart हो गया, Zomato वगैरह हो गए, इस तरह की बहुत सारे आपके वेबसाइट्स वर्ल्ड के अंदर अवेलेबल है। अब इसके बाद हमारा तीसरा सेक्शन आता है जो हमारी तरह एफिलिएट करते हैं। एफिलिएट करने का कहने का मतलब है कि आपको करना क्या है एज अ एफिलिएटर, आपको कोई प्रोडक्ट के अंदर, यहां पर कोई आपको खुद के पास कोई प्रोडक्ट मंगा के नहीं रखने है, तो आपका कैपिटल इन्वेस्टमेंट नहीं है। अब आपको यहां पे वो प्रोडक्ट सेल हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं इसकी भी टेंशन नहीं है, क्योंकि आपके पास क्या है कि आपको जो वेबसाइट, आप जिसके भी वेबसाइट से, फॉर एग्जांपल आप Amazon के साथ एसोसिएट हो गए एफिलिएट मार्केटिंग के लिए, अब वहां से आप प्रोडक्ट ले रहे हो और अपने सोर्स के जरिए, चाहे वो आपका सोशल मीडिया है, आपकी खुद की वेबसाइट है, या आपका खुद का जो है व्हाट्सएप ग्रुप वगैरह है, व्हाट्सोएवर जो भी आपके पास अवेलेबल है सोर्सेस, जहां से आप उनको सेल करवा सकते हो।
तो जैसे ही वो प्रोडक्ट सेल होते हैं उनके, तो आपको जो है उनका कमीशन मिल जाता है। तो ये है आपका एफिलिएट मार्केटिंग। अब तीसरा हमारे पास सवाल आता है कि ये वेबसाइट्स हमें जो है एफिलिएट प्रोग्राम ऑफर क्यों करती हैं? देखो, हर कोई चाहता है कि उनकी मार्केट के अंदर जो है वर्ड ऑफ माउथ है ना, यहां पे जो है माउथ पब्लिसिटी जो जिसको बोलते हैं, ये बहुत जो है फायदेमंद होते हैं, क्योंकि ये क्या है कि काफी ज्यादा पहले से चली आ रही मार्केटिंग है। अगर सपोज कर लो मेरा एक दोस्त है और वो मेरे को बोलता है, उसको मेरे साथ बहुत अच्छी फ्रेंडशिप है हमारी, अगर मैंने बोला कि यार ये वाले शूज बहुत बढ़िया है, तो डेफिनेटली वो उसको बाय करेगा। तो इसको बोलते हैं वर्ड ऑफ माउथ। तो यहाँ पे वर्ड ऑफ माउथ के जरिए हम वो क्या करते हैं कि ऐसे सोर्स को फाइंड आउट करते हैं जो उनके प्रोडक्ट्स को अपने सोर्सेस के जरिए क्या कर सकें, पब्लिक तक पहुंचा सकें। और जब पब्लिक तक हम अपने सोर्सेस के जरिए उनके प्रोडक्ट को पहुंचाते हैं, अगर वहां से कोई खरीदारी होती है, तो हमें जो है उस प्रोडक्ट के ऊपर एक एक्स अमाउंट का कमीशन पे किया जाता है। अब यहां पे बेनिफिट वेबसाइट वाले का भी है, जो थर्ड पार्टी है, जो जिसका खुद का प्रोडक्ट नहीं है लेकिन उसने वेबसाइट एक प्लेटफॉर्म बनाया, उसका भी बेनिफिट है, क्योंकि उसने जो हमें कमीशन दिया है उसमें से उसका भी कमीशन है। तो अब जो एंड यूजर है, जो चाहे रिटेलर है, होलसेलर है या मैन्युफैक्चरर है, वहां पर उनको भी जो है यहां पे बेनिफिट मिला है। उनको ये बेनिफिट मिला है कि उनको कहीं पे और पब्लिसिटी करने की जरूरत नहीं पड़ी, उनके प्रोडक्ट सेल होने लग गए। अब यहां पे ये अमेजोन की लेते हैं, अमेजोन को भी जो है यहां पे कोई और पब्लिसिटी तो डेफिनेटली वो लोग करते हैं, लेकिन अभी उनको किसी भी पर्टिकुलर प्रोडक्ट को लेके एडवर्टाइज नहीं करते कि ये प्रोडक्ट को ही हमें, इस वेंडर के इस प्रोडक्ट को ही प्रमोट करना है, कभी वो ऐसा नहीं करते। तो वहां पे हम क्या करते हैं एज अ एफिलेटर, हमारे सामने जो भी कैटेगरी हम सेलेक्ट करते हैं, जिसको निश बोला जाता है, जो भी निश सेलेक्ट करते हैं उसके अंदर जितने भी प्रोडक्ट आते हैं उनमें से भी हम कुछ सेलेक्टेड प्रोडक्ट ले लेते हैं। हमें ये तक नहीं पता होता कि वो प्रोडक्ट है किस कंपनी का, कौन सेल कर रहा है, बस हम क्योंकि यहाँ पे अमेजोन के ऊपर ट्रस्टेड लोगों का ट्रस्ट बन चुका है, तो इसीलिए हम उसको प्रमोट करते हैं, तो लोग जो है वहां से बाय करते हैं और हमें उसका कमीशन मिलता है। अब इसके बाद आता है कि हाउ आई विल गेट पेड, कि हमें जो है कमीशन कैसे मिलेगा। अब हमें कमीशन कैसे मिलेगा, देखिए, अब जब आप प्रोडक्ट को शेयर करते हो, चाहे आप फेसबुक की बात कर लेते हैं, फेसबुक के ऊपर आपने एक लिंक जो है वो शेयर कर दिया, एक प्रोडक्ट अमेजोन से लिया आपने वहां पे शेयर कर दिया, अब वो प्रोडक्ट के ऊपर जो लिंक आपने दिया है उसके ऊपर क्लिक हुआ, क्लिक होने के बाद उस कस्टमर ने क्या करा, वेबसाइट पे गया अमेजोन की, वहां पे जाके उसने कहा, माइंडसेट चेंज हो गया कि यार मुझे अभी नहीं खरीदना, बाद में देखता हूं। तो वो जहां वहां पे जिस प्रोडक्ट को खरीदने गया था वो नहीं खरीदा, लेकिन जब वहां पे गया अमेजोन पे, उसको कुछ और प्रोडक्ट अमेजोन के ऊपर जो है क्या हो गए, मिल गए, जो उसको अच्छे लगे और उसने इमीडिएटली बाय कर लिए। अगर वहां पे बाय कर लिए तो हमने जो लिंक शेयर करा था, हालांकि वो प्रोडक्ट नहीं सेल हुआ, लेकिन क्योंकि आपके लिंक के जरिए आपको दूसरे प्रोडक्ट जितने भी सेल हो रहे हैं आपके लिंक के जरिए, जो हमने कभी प्रमोट भी नहीं करे हैं, ना हमने उन प्रोडक्ट्स को कहीं पे भी हमारे सोशल मीडिया या हमारी खुद की वेबसाइट पे भी कहीं पे पोस्ट नहीं करके रखा, ऐसे प्रोडक्ट को भी अगर कस्टमर खरीद लेता है एक बार आपके लिंक के जरिए वहां पे वेबसाइट पे पहुंचने के बाद, तो आपको जो है उन पूरे सभी प्रोडक्ट के ऊपर में कमीशन दिया जाता है। अब यहां पे जब आपका कमीशन जनरेट होता है, अगर आपका 1000 रुपया, अगर इंडियन रुपी की बात करें तो 1000 रुपया अगर आपका हो जाता है, आपके कमीशन आपका जनरेट हो जाता है, तो आप अपने बैंक अकाउंट के अंदर ट्रांसफर कर सकते हैं। तो यहां पे आपको जो है, जैसे ही आप बैंक अकाउंट डिटेल वगैरह सेट कर देंगे, आगे चल के मैं आपको पूरा प्रैक्टिकल दिखाने वाला हूं, तो जैसे ही आप वहां पे सेट कर देते हैं तो आपका ऑटोमेटिकली 1000 से ज्यादा हो, जैसे ही जिस भी महीने में आपका 1000 से ज्यादा का जो है कमीशन जनरेट हो जाएगा, तो ऑटोमेटिकली आपके बैंक अकाउंट में जो है वो क्रेडिट हो जाता है। जनरली अगर आपका यहां पे से फॉर एग्जांपल अगस्त महीने के अंदर जितना भी कमीशन आपका जनरेट हुआ, वो कमीशन आपको अगस्त एंड के, अगस्त का तो कमीशन है तो यहां पे तो मिलेगा नहीं, नेक्स्ट मंथ यानी कि सितंबर के अंदर भी वो आपका फाइनल किया जाएगा, लेकिन आपके बैंक अकाउंट के अंदर ट्रांसफर नहीं किया जाता है। तो यहां पे जो है आपके 45 to 60 days, जो आप 2 महीने मान के चलो, अगस्त का जो कमीशन है वो आपको अक्टूबर के अंदर जो है आपके अकाउंट में ट्रांसफर किया जाएगा। ये बात है हमारी शुरुआत की, जिस दिन से हमने शुरुआत करी है वहां से लेके आपका जब तक भी बना है,
तो एक बार आपका रोटेशन बन गया, एक बार पूरा आपका रोटेशन चालू हो गया, और उसके बाद जो है कंटिन्यू हर महीने जो है आपको आता रहेगा, लेकिन जब आप अच्छे से काम करेंगे तब। अब इसके बाद जो है अब सब लोगों बहुत लोगों का ये सवाल आता है कि यार इसमें सक्सेस तो मिलती नहीं है। देखो सक्सेस की क्या बात करूं मैं, अगर आपको परफेक्ट नॉलेज है, एग्जाम्पल लेता हूं, एक परफेक्ट नॉलेज छोड़ो, हम एक एग्जाम्पल देके समझाता हूं। बचपन में आप हम सभी साइकिल चलाना सीखते हैं, तो साइकिल चलाना सीखने के लिए हम पता नहीं ना जाने कितनी बार गिरते हैं, कितनी बार चोट लगती है, तो क्या हम साइकिल चलाना सीखना बंद कर देते हैं? नहीं, हम तब तक ट्राई करते रहते हैं, तब तक उसको जो है बार बार प्रैक्टिस करते रहते हैं, बार बार कोशिश करते हैं, जब तक कि हम उस साइकिल को चलाना सीख नहीं लेते। तो यहां पर एफिलिएट मार्केटिंग के अंदर भी यह है कि अगर आपको पूरा कंप्लीट नॉलेज नहीं है और आप हिट पे हिट करे जा रहे हो, तो आपको धीरे धीरे आपका जो है, क्योंकि यहां पे बोला जाता है ना, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, जब आप प्रैक्टिस करते हो तो आपको डेफिनेटली उसका रिजल्ट मिलता है। और आप लोगों को तो यहां पे जो है गोल्डन अपॉर्चुनिटी है आप लोगों के पास कि मैं आपको इस कोर्स के दौरान जो है पूरा ए से लेके जेड तक किस तरह से आपको अपनी वेबसाइट सेटअप करनी है, उसमें किस तरह से प्रोडक्ट आपको पोस्ट करनी है, मॉनिटरिंग टूल्स कैसे होने चाहिए, आपकी निश आपको जो है किस तरह से सर्च करनी है, ये सारी चीजें जो है मैं आपको प्रैक्टिकल करके ही दिखाने वाला हूं। क्योंकि थ्योरेटिकल सिखाने के लिए तो बहुत सारे चैनल सिखा रहे हैं, लेकिन मैं आपको सिखाऊंगा प्रैक्टिकल प्रैक्टिकल प्रैक्टिकल, क्योंकि देखो थ्योरेटिकल में हम सिर्फ वही पोर्शन कवर करेंगे जो चीज हमारे थ्योरेटिकल के हिसाब से हमें नॉलेज के लिए मुझे आपको बतानी पड़ेगी, लेकिन जब हमने वो थ्योरेटिकल पोर्शन कर लिया तो उसका प्रैक्टिकल भी होना जरूरी है। तो इस कोर्स के दौरान मैं आपको प्रैक्टिकल सारी चीजें जो थ्योरेटिकल बताऊंगा उसका प्रैक्टिकल भी आपको करके बताऊंगा, ताकि जो है जिस तरह से मेरे जितने भी पेड स्टूडेंट जो मेरे कोर्स को ज्वाइन करते हैं वो तो डेफिनेटली अर्न करते ही करते हैं, लेकिन उसके साथ साथ में अगर आप लोग भी अगर एफिलिएट मार्केटिंग में वाकई इच्छा रखते हो, वाकई पैसा कमाना चाहते हो, तो आप यहां से बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हो। लेकिन कुछ लोगों का ये कहना है कि यार एफिलिएट मार्केटिंग अब आगे नहीं है, पर मैं बोलता हूं कि अभी तो शुरुआत है, अभी तो एफिलिएट मार्केटिंग की शुरुआत है। अगर देखो अब ऑनलाइन प्रोडक्ट खरीदना कोई बंद नहीं कर रहा, डे टू डे इंक्रीज हो रहा है सेल, डे टू डे लोगों के और ज्यादा डिजिटल के अंदर बढ़ते जा रहे हैं, तो यहां पे सेल बढ़ रही है। तो बहुत लोग बोलते हैं यार कि यहां पे जो है अभी फ्यूचर नहीं है, तो मैं बोलता हूं कि यहां पे बहुत ज्यादा फ्यूचर है, बस यहां पे फर्क सिर्फ इतना है कि आपने सही माध्यम के जरिए सही तरीके से सही चीजों को कीवर्ड रिसर्च करा है कि नहीं, सही तरीके से प्रोडक्ट आपने वेबसाइट या आपने सोशल मीडिया पे पोस्ट करे हैं कि नहीं, तो सही तरीके से आपने रिप्रेजेंटेशन जो है अपने प्रोडक्ट को करा रखा है कि नहीं रखा, क्या आपने अपनी मेहनत को जस्टिफाइड किया है। अगर जस्टिफाइड किया तो मैं आपको गारंटी देता हूं कि यू विल अर्न एंड हर दिन आप यहां पे बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हो। तो इस कोर्स को जो है आपको बिल्कुल एंड तक जितने भी वीडियो मैं आपको दूं उन सभी वीडियो को अच्छे से देखना है, समझना है और प्रैक्टिकल करना है, और उसके बाद आप मुझे एक महीने दो महीने तक आप प्रैक्टिस कीजिएगा, उसके ऊपर काम कीजिएगा, और काम करने के बाद अगर आपको रिजल्ट नहीं आए तो जरूर मुझे जो है मेरे कमेंट सेक्शन में या फिर मेरी ईमेल आईडी पे मुझे बताएं कि आपको रिजल्ट नहीं मिले, फिर मैं आपकी वेबसाइट को रिव्यू करूंगा कि कहां पर आपकी गलती रह गई है, कहां पे आपके सोशल मीडिया में रह गई है कमी, तो मैं आपको आपकी गलतियां बताऊंगा, और अगर आप उनको इंप्रूव कर देंगे तो डेफिनेटली आप जो है बहुत अच्छा पैसा इसमें से कमा सकेंगे। सो आई एम श्योर दोस्तों ये इंट्रोडक्शन था, ये आपको काफी अच्छा लगा होगा वीडियो, अगर अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें, अगर आपको ये कोर्स अच्छा लगा है तो डेफिनेटली मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करके बता दीजिएगा। सो आने वाले वीडियो के लिए तो आपको लाइक करना है और देखते रहना है, लेकिन नोटिफिकेशन आपके पास तभी आ पाएंगे अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करोगे और साथ ही साथ बेल का आइकन दबा दोगे, तभी आपके पास नोटिफिकेशन आ पाएंगे। सो आज के इस वीडियो के लिए इतना ही, अगला वीडियो आने तक सेफ रहें, अलर्ट रहें, एंड बी ऑलवेज गुड टू अदर्स।